प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको एक और अपनी रचना को नए कलेवर में, नए रूपरेखा में, नए फॉर्मेट में प्रस्तुत कर रहा हूं। और ऐसी कृतियां आपके सामने प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष की अनुभूति होती है। और आप लोग जो अच्छे अच्छे आशीर्वाद हमें देते हैं, विचार व्यक्त करते हैं, जानते हैं हमारी ऊर्जा का वही राज है। इसी कारण मैं अभी भी ऊर्जावान हूं इस उम्र के पड़ाव में, और ये लिखता रहता हूं। ये जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये हमारी ज्योमोर्फोलॉजी की पुस्तक है इंग्लिश में। आई एम सॉरी, ये हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की पुस्तक है इंग्लिश में। और ये जो है, इसमें एक नया चैप्टर जुड़ा हुआ है। दो चैप्टर इसमें जुड़े हुए हैं, और किस पर है? क्रायोस्फीयर पर, यानी हिममंडल पर। तो क्रायोस्फीयर पर भी अब इसमें मैंने सम्मिलित इसे कर दिया है, क्योंकि अब इस तरह से कुल मिलाकर के फिजिकल ज्योग्राफी में जो मंडल है, जितने उसके विभाग है, जितने हो गया, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और ये क्रायोस्फीयर, और ये अब कंप्लीट हो गई अपने में। अभी आप सवाल पूछेंगे कि क्या हिंदी में भी हो गया है क्या? तो यस, हो रहा है। भौतिक भूगोल के स्वरूप को भी बड़ी साइज में, देखिए इसकी साइज बहुत बड़ी है, और इसी साइज में भौतिक भूगोल का स्वरूप भी हो रहा है, और उसमें भी हिममंडल, क्रायोस्फीयर सम्मिलित किया गया है, और वो भी शीघ्र आप लोगों के यहां तक पहुंच पाएगी, पहुंच जाएगी। और ये जो आप देख रहे हैं साइज हमारी इस पुस्तक का, ये वही साइज है जो क्रायोस्फीयर का है, क्रायोस्फीयर वाली पुस्तक का है। और उसी में मैंने भारत का भूगोल और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया करी है, जो आपको 15 नवंबर तक सुलभ हो जाएगी। जब मैं अपनी किसी एक माध्यम की पुस्तक का कवर पेज अपने फेसबुक पर मैं डाउनलोड करता हूं, तो आप लोगों में से, अगर मान लीजिए हमने इंग्लिश वाले का कर दिया, तो आप लोगों में से तुरंत सवाल पूछ देते हैं, क्या हिंदी में सुलभ है क्या? और जब हिंदी वाली हम जब पोस्ट करते हैं, तो कहते हैं क्या इंग्लिश में सुलभ है क्या? मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूं कि मेरा ये शुरू से प्रयास रहा है कि हम दोनों भाषाओं में अपनी रचनाएं करेंगे, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। कोई ऐसी हमारी रचना नहीं है जो केवल एक भाषा में है। तो ये बहुत शीघ्र ही आपको भौतिक भूगोल का स्वरूप भी आपको उस कलेवर में मिलेगा। फिर आप में से कुछ लोग सवाल अक्सर पूछते हैं कि आपकी एक पुस्तक है भौतिक भूगोल करके, एक है भौतिक भूगोल का स्वरूप करके, तो इन दोनों में अंतर क्या है? भाई पहले तो आप पुस्तक देखिए, अगर पुस्तक देखने पर भी अंतर नहीं मालूम होता है, तो मैं ये आप बताऊं कि भौतिक भूगोल जो है वो सरल रूप है भौतिक भूगोल का, और बीए पार्ट वन के लिए। लेकिन भौतिक भूगोल का स्वरूप जो है, भौतिक भूगोल का एडवांस रूप है, उसको ज्यादा विशद रूप में उसकी व्याख्या की गई है, उसमें अध्याय यानी चैप्टर भी ज्यादा हैं। और एक नई चीज पाएंगे आप
कि हर चैप्टर के अंत में भौतिक भूगोल के स्वरूप पुस्तक के हर चैप्टर के एंड में टेक्निकल ग्लासरी दी हुई है, टेक्निकल टर्म्स को परिभाषित किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में खास करके यूजीसी नेट की परीक्षा में या स्टेट सर्विसेज में या सिविल सर्विसेज में जो पूछा जाता है प्रश्न अब मल्टीपल चॉइस का एमसीक्यू का उसमें उनको आसानी होगी और उसमें चैप्टर की संख्या भी ज्यादा है। जैसे उसमें बायोडायवर्सिटी का भी चैप्टर दिया हुआ है भौतिक भूगोल के स्वरूप में, उसमें अब हिमंडल भी आ रहा है। तो इस तरह से भौतिक भूगोल का स्वरूप जो है एडवांस वर्जन है। अगर आप प्रारंभ में ही इस पुस्तक को लेते हैं तो उससे आपको अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में दोनों में काम देगी, फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको ये अमृत स्वरूप साबित होगी। तो इस तरह से इसका ब्यौरा है। तो आज ये जान रहे हैं कि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग आज हो रही है मेरी, क्योंकि देखो दोनों हाथ मेरा फ्री है, मैं सेल्फी से नहीं कर रहा, ये श्री विजय जायसवाल जी आए हैं हमारे घर पर, ये पुस्तक लेके भी आए और मिठाई भी लेके आए हैं। लेकिन आप जानते हो कि हम डायबिटीज का मिठाई खाते नहीं हैं, तो इस मिठाई को हम अपने वरिष्ठ जो हमारे मित्रगण हैं, शाम को हम बैठते हैं गार्डन में टहलने के बाद, वहां उनमें सबको वितरित करेंगे। फिर महिलाओं का एक ग्रुप है किटी पार्टी, उसमें भी हम इनको वितरित करेंगे। हमको बांटने में आनंद आता है, हमको खाने में उतना नहीं जितना खिलाने में आनंद आता है। तो विजय जी हमारा ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और फिर उनका मैं नंबर बोल रहा हूं, कोई भी मेरी पुस्तक एकदम लेटेस्ट अगर आपको मंगानी है तो आप विजय जायसवाल जी को रिंग करिए और आपके घर के मेलिंग एड्रेस तक पहुंचा देंगे पुस्तक को। आपको कहीं ठगे जाने का डर नहीं होगा, ना नकली किताब डुप्लीकेट किताब मिलने का डर नहीं होगा। श्री विजय जायसवाल जो प्रवालिका पब्लिकेशन के प्रबंधक भी हैं, प्रकाशक भी हैं, सर्वे सर्वा हैं, उनका नंबर है 9935886449। तो 9935886449 ये जो है नंबर है, इस नंबर पर इनसे कांटेक्ट कीजिए। और हमारे भारत का भूगोल जो पुस्तक आने वाली है या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, वो मेरे यहाँ से सारा कार्य संपन्न हो गया, अब वो प्रेस में है, विजय जी के हाथ में है। तो जो भी अपडेट आपको लेना हो सीधे उन्हें रिंग करिए, वो आपको अपडेट का जवाब दे देंगे, क्योंकि वही अब जान रहे हैं कि पब्लिकेशन के प्रिंटिंग के किस स्तर पे वह पुस्तक पहुंची है और क्या है। लेकिन ये तो मैं आपको बता दे ही रहा हूं कि 15 नवंबर तक आपको ये पुस्तक मिल जाएगी और 18 नवंबर को तो डेट भी फिक्स कर दिया हमने, इसको हम रिलीज कराएंगे, इसको रिलीज कराएंगे एक बहुत बड़े फंक्शन में। इस पुस्तक का जो है धूमधाम से इसका विमोचन होगा। क्यों? क्योंकि यह मेरे हाथ से लिखी हुई अंतिम कृति होगी, लेकिन बीच में हम रिवाइज भी करते रहेंगे। जो एमसीक्यू जो इंग्लिश में था उसमें 1200 से ज्यादा क्वेश्चन है, हिंदी वाले में एमसीक्यू ऑन फिजिकल ज्योग्राफी 1000 के करीब प्रश्न थे। आप मेरे सवाल करना आप लोगों ने शुरू कर दिया, सर इसमें कम क्यों, तो उसमें एस्ट्रोनॉमी वाला नहीं था, उसको भी हम शीघ्र ही ऐड कर देंगे उसमें। ये कुछ काम रिवीजन का हम करते रहेंगे क्योंकि इतनी पुस्तकें हो गई है, उसमें कहीं कहीं रिवीजन करने की आवश्यकता होती है। तो एक बार पुनः फिजिकल ज्योग्राफी का लेटेस्ट ये एडिशन जिसमें क्रायोस्फीयर पर दो चैप्टर इसमें जुट गए हैं और क्रायोजियोमॉर्फोलॉजी के विषय में भी एक्सप्लेन किया गया है।
हमारी जो जियोमॉर्फोलॉजी वाली पुस्तक और भूआकृति विज्ञान है उसमें भी शीघ्र ही क्रायो जियोमॉर्फोलॉजी पर एक एक चैप्टर ऐड होगा, हिंदी में इंग्लिश में भी, और इसी साइज में वह पुस्तक आप तक पहुंचेगी जी। नमस्कार।